हेलो एवरीवन, यह है पांचवा एपिसोड इस सीरीज़ का जहां पर हम बात कर रहे हैं एबल्टन लाइफ 10 के बारे में, बिल्कुल बिगनिंग से और एडवांस लेवल तक। इस सीरीज़ के मैं 4 एपिसोड्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक थम्स अप ज़रूर दें, कहने का मतलब है, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस या ऐसी सीरीज आप लोगों के लिए बनाने में। तो चलिए करते हैं शुरू। एबल्टन लाइव के अंदर बीट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर ड्रम रैक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं एबल्टन ने फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके जो साउंड्स हैं वो भी बहुत अमेजिंग हैं, रॉयल्टी फ्री हैं सबसे बड़ी बात। और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ परचेस्ड साउंड्स हैं, हाई क्वालिटी की किक्स हैं, स्नेयर्स या कोई भी प्रकॉशंस आपने कहीं से परचेज किए हैं या आपके पास हैं ऑलरेडी, तो उनको भी आप अपने कस्टम ड्रम रैक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको स्टूडियो में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं क्विकली शुरू। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के का जो मेन्यू है जिसे हम इन्वेंटरी भी बोलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ड्रम्स का ऑप्शन, ये वाला। यहाँ पर आप किसी भी ड्रम रैक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका एक प्रीव्यू आपको छोटा सा सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैं एक ड्रम रैक को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो इस प्रीव्यू से आपको ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर किस तरह के प्रकॉशंस, किक्स, स्नेयर्स वगैरह जो हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। नाउ इसको हम रैक क्यों बोलते हैं? रैक का मतलब होता है कि जहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स या मल्टीपल सैंपल्स एक साथ इकट्ठे रखे हुए हैं, एक तरह से कि ये फोल्डर कह सकते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर हमारा एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं, तो इसी तरह रैक्स होती हैं जहाँ पर आप मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ कलेक्टिवली रख सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है? नाउ इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एक मिडी ट्रैक। सो मिडी ट्रैक को आप यूज़ करेंगे अपने जो भी ड्रम के पैटर्न्स हैं उसको बनाने के लिए। तो आप कोई भी जो है रैक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको लगता है कि साउंड्स अच्छे हैं। तो चलिए मैं इस वाली रैक को लूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम और अपने मिडी ट्रैक के ऊपर जाकर ऐसे छोड़ देंगे, तो वहाँ पर ये जाके जो है वो आपको इस तरह का दिखेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे, देख सकते हैं आपको कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, अभी देखेंगे कि किस तरह से इन कंट्रोल को यूज़ करना है। ये वाला जो पोर्शन है आपको बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से सैंपल हैं इस रैक के अंदर। फॉर एग्जांपल ये किक है, ये रिम शॉट्स, स्नेयर, क्लैप एंड मैनी मोर। तो इस तरह से आप जो है इन सैंपल्स को यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके राइट हैंड साइड में आपको उस सैंपल का एक प्रीव्यू मिल रहा है कि उसका वेव फॉर्म कैसा है, कितनी उसकी टेल है, कितना उसका जो ट्रांजिएंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये आप किसी भी सैंपल का देखना चाहते हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करना है इस तरह से, तो आपका उसका वेव फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप मल्टीपल सैंपल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जैसा कि आप अगर वाप मोड अगर ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, आप इसको कितना लंबा या छोटा रखना चाहते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको, अगर आपको शुरू वाला पोर्शन नहीं चाहिए आप इसको कट कर सकते हैं, एंड ऐसा ही आप एंड से भी कर सकते हैं लाइक दिस। आपको उसे फेड इन करना है, फेड आउट, डिके कितना रखना है, रिलीज, इवन द वॉल्यूम आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपको दिख रहा है वॉल्यूम का नॉब, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो कंट्रोल्स हैं, ये वाले जो कंट्रोल्स हैं वो एक तरह से आपके मैक्रोज हैं जो कि मैप किए गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा और उसके अंदर इफेक्ट लाना है, मतलब किसी भी सैंपल के ऊपर या कंप्लीट ड्रम रैक के ऊपर, लाइक आप उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी रिवर्ब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से इन नॉब्स को एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी किक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका अमाउंट, जैसे यहाँ पे 24 है, इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा इसके अंदर, या इसको कर दीजिए, देखिए इसकी जो पंचीनेस थी वो कम हो गई, पूरा कर दिया, पूरा क्लिक आ गया, इस तरह से आप इसको पूरा कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ट्रांजिएंट्स वगैरह प्रिजर्व कर सकते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद हमें मिडी ट्रैक के ऊपर जाना है और एक क्रिएट करना है यहाँ पर मिडी ट्रैक। तो मिडी ट्रैक क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आपके पास पियानो रोल खुल जाएगा। नाउ इस पियानो रोल के अंदर आप देखेंगे कि सारे जो आपके सैंपल्स थे वो एक पियानो की फॉर्म में या एक मिडी ट्रैक की फॉर्म में आपके सामने आ गए हैं। नाउ अगर आपका मिडी कंट्रोलर आपके पीसी से कनेक्टेड है तो यहाँ पर आप उसको प्ले करके देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न आपको चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर अपने मिडी कीबोर्ड पर मैं कुछ क्लिक करूँ, ये मेरी किक है, ये क्लैप, ये सेकंड किक, तो
इस तरह से मैं सारे सैंपल्स को प्ले करके यहाँ पर देख सकता हूँ। नाउ ये जो आप पेंसिल का साइन देख रहे हैं, ये बहुत ईजी रहता है किसी चीज़ को ड्रॉ करने में, कोई चीज़ के पैटर्न बनाने में। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड पर बी प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल कर्सर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी बीट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल सा एग्जांपल लेके बताया कि किस तरह से आपको जो पैटर्न्स हैं उनको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिएट करेंगे एक बीट। नाउ इस ड्रम रैक को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि मैं पूरी ड्रम रैक को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके इफेक्ट्स को सिर्फ एक ही जगह पर। नाउ इमेजिन कीजिए कि मेरे पास अगर, जैसे मैंने यहाँ पर एक तीन ट्रैक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये हैं आपके ऑडियो ट्रैक्स। तो यहाँ पर अगर मैं किक ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैं क्लैप लेके आऊँ, यहाँ पर मैं हैट्स लेके आऊँ, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ़ ट्रैक्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लस उनके इफेक्ट जो है मुझे मैनुअली हर ट्रैक के ऊपर जाकर कंट्रोल करने पड़ेंगे, विच इज़ अ लेंथी वर्क, राइट। सो नॉर्मली लोग ऐसा ही यूज़ करते हैं यहाँ पर, कि एक ट्रैक के ऊपर के एक ट्रैक के ऊपर, वो अपना प्रेफरेंस है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हालांकि अगर आप ड्रम रैक यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आप सारी चीज़ों को एक साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके ऊपर कंप्रेसर अप्लाई करना है, तो मैं अपने कंप्रेसर में जाऊँगा और लेट्स से कि मुझे यहाँ पर एक कंप्रेसर लगाना है, तो मैंने कंप्रेसर यहाँ पर लगाया, तो ये पूरे मेरे रैक के ऊपर हुआ, मतलब जितने भी मेरे साउंड्स थे, स्नेयर्स, किक, परकशंस एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पर एक साथ ही कंप्रेस होंगे। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा से एक बार प्ले करूँगा, तो नाउ मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कस्टम जो ड्रम रैक है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक मिडी ट्रैक, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रम रैक। नाउ ड्रम रैक को आपको ड्रैग करना है मिडी ट्रैक के ऊपर, और आप देखेंगे कि सेम चीज़ आ गई बट इन ए ब्लैंक फॉर्म। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी ऑलरेडी परचेस या हाई क्वालिटी के जो सैम्पल्स हैं, उनको आपने यहाँ पर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर लेट्स से कि मुझे डबस्टेप क्रिएट करना है, तो मेरे पास डबस्टेप का एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास चार सैंपल हैं, तो चार को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर लेके आया, एंड बूम, हमारे पास चार सैंपल्स आ गए। नाउ आप इस ड्रम रैक को आप सेव कर सकते हैं अपने एबल्टन लाइव के प्रोफाइल के अंदर। तो आप यहाँ पर जाएंगे यूजर लाइब्रेरी, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी अपने लिए कुछ ड्रम रैक्स बनाए हुए हैं, बेस के लिए अलग, किक के लिए अलग, डीप हाउस के कुछ फेवरेट मेरे वो चीज़ें थी वो मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वाले पोर्शन में। आप इसको नाम दे दीजिए कोई भी, ए बी सी मैंने बोला इसको, और ये आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम इसको जब आपको यूज़ करना है, तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करेंगे, और अब बूम, आपके पास जो आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड सैंपल्स थे वो आ गए। इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बार बार चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, मेरे पास ऑलरेडी एक रैक है जहाँ पर हाई क्वालिटी के सैंपल्स हैं, मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है और अपना पैटर्न बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फेवरेट किक्स की एक ड्रम रैक बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने सारी किक को अरेंज किया हुआ है उनकी की के हिसाब से, ताकि उनकी रूट की क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सॉन्ग बना रहा हूँ ई के अंदर, तो मेरे पास ई की यहाँ पर की है, देखिए, ठीक है, ये 2E2 मतलब E का ही एक सेकंड किक है जो कि मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसको E2 नाम दे दिया। नाउ G शार्प, D D D3 F, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप अपनी कस्टम ड्रम रैक बना सकते हैं विद डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन जो आपको यूज़ करनी है। सो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, थैंक यू सो मच गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।